घर से बाहर निकल चैन जल्दी बाहर निकल चैन तो कैजर, आप सोच रहे कि मैं के के उस, उसको अमीर हो चुका है और वो अब मेरे से बात भी नहीं करता और मैं अभी तक इतना ज्यादा गरीब हूँ ये मेरे लिए गेट तक नहीं खोलता और कायजर मैं भी थोड़ी देर पहले अपने बाल कटवाने गया था मैंने अंकल को बोला की फ्री में बाल काट दो मेरे पास पैसे नहीं है तो

रुक जाओ रुक जाओ मुझे तुम्हारी टिकटॉक बनानी है और एक ये देखो इस लड़के ने कैसे बाल कटवाए एकदम साफ कटिंग अरे तुम ये तो छोड़ो, शिन -चेन को बुलाओ। बुलाता, बुलाता कटिंग। अभी वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर जा चुका है शिन -चेन को लेने के लिए मुझे शिन से मदद मांगनी पड़ेगी मैं उसके पैर पढ़ लूंगा पर आज उसको मेरी मदद करनी पड़ेगी सिंह सर शिनच सर आपसे कोई मिलने आया है दे अरे सर आपसे कोई मिलना है कौन मिलने है अरे सर कोई तो पागल आया है एकदम काला और वो बोल रहा है वो आपका दोस्त है मुझे नहीं लगता वो आपका दोस्त है क्या तुमने बोला काला हाँ सर बहुत ही ज्यादा काला है मतलब पत्थर और नाले से भी ज्यादा काला अरे? ऐसा तो दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है चलो चल okay, sir, आई, आई, आई। अरे मैं तो सिर्फ एक ही काले जने को जानता हूँ जो की भैया मुझे लगता है, है अरे ये तो है। कैसे हो अरे दूर रहा, दूर रहा, मेरे घर के अंदर मत आना अरे क्या होगा मैंने क्या किया अरे फैंकी भैया दूर ऐसी बात करो मेरे पास मत आना आप तो बहुत ही गरीब हो क्या बोल रहा है मैं तो तेरा दोस्तू ना अरे गले तो मिल सिक्योरिटी

ऐसी दूर से बात करो वरना ये सिक्योरिटी आपको नहीं छोड़ेगी अरे सिंह ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ अरे सर आप दूर से बात कीजिए अच्छा ठीक है सिंह प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दे मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और मैं अपने छोटे से घर में रह रह कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं तेरे साथ इस बड़े से घर में रहना चाहता हूँ प्लीज सिंह प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ रख ले अरे सर दूर रहो समझ आता क्या हाँ मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि आप बहुत ही गरीब हूँ और मैं

नहीं, नहीं नहीं मुझे मत माना इन्हें रुक जाओ इन्हें कोई नहीं मारेगा फ्रैंकलिन भैया आप मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि आप देख सकते हो मैं कितना अमीर हूँ मेरे पास ऐसी खतरनाक खतरनाक है जो की आपने सपने में भी नहीं देखी होगी मेरे पास ये मेरे पास जीवें सुपर कार सारी की सारी गाड़िया है आपके पास कौन सी गाड़ी है मेरे पास तो ये फटे हुए जूते है, जो मैं पिछले चार साल ऐसी पहन रहा हूँ आप तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो चलो अब यहाँ से निकल लो वरना मेरे सिक्योरिटी गार्ड आपको बहुत मरेंगे लगता है ऐसे नहीं मानोगे मेरी गाय दिखा दो कमाल अरे मुझे छोड़ मुझे छोड़ ये गाय मुझे कहाँ लेकर जा रही है अरे मुझे छोड़ दे शिंचन प्लीज प्लीज अरे फेंकी में निकल जाओ चुपचाप से अरे ये गाय मुझे कहाँ लेकर जा रही है मुझे छोड़ दे अरे कैसर ये गाय तो बहुत ही खतरनाक है अरे मुझे क्यों मार दिया अरे कैसर ये शिंचन ने मेरी मदद तो नहीं करी ऊपर से मुझे ही पिटवा दिया वो भी एक गाय से मुझे लगा सिंचन मेरी मदद करेगा मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ मुझे अपने साथ लगेगा पर ने तो मुझे पीठ की हड्डी टूट गई बचाओ तो खे सर मुझे तो समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए मेरे पास यहाँ पर टोटल जीरो डॉलर है मेरा बैंक अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो चुका है और मुझे अपने घर का रेंट भी देना है मैं कैसे से दूंगा बूढ़ी बाबा कोई तो मिल जाए कोई तो मिल जाए ए लड़के मेरी बात सुनो क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो एक खतरनाक से चैलेंज में क्या चैलेंज कौन सा चैलेंज अरे वो मैं चलकर तुम्हें बता दूंगा पर क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो अगर तुम जीत गए तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन सकते हो क्या सही में चलो चलो मैं चलूंगा तो फिर आ जाओ मेरे पीछे पीछे हम करने वाले खतरनाक सा चैलेंज उड़ी बाबा तुम लोगों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में इस चैलेंज में जो भी जीतेगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है अरे पर ये मत पूछना कैसे वो तो जब जीतोगे तभी पता चलेगा पर मैं इतना बता देता हूँ जो भी तुम तीनों में से जीतेगा उसके आजू बाजू ऊपर नीचे सोना ही सोना होगा अरे अंकल मुझे सोना नहीं चाहिए मुझे बहुत अमीर बनना है अरे बच्चे मेरा मतलब है गोल्ड आजू बाजू ऊपर नीचे गोल्ड होगा गोल्ड क्या सही में जल्दी बताओ क्या करना है तुम्हें इस चैलेंज को जीतने के लिए सबसे पहले गाड़ी सेलेक्ट करनी है उसके बाद इस रैम से अपनी गाड़ी को आना है ताकि तुम सारे के सारे हेलीकॉप्टर के ऊपर ऐसी कूद कर और यहाँ पर लैंड कर पाओ जो भी लैंड करेगा उसको मिलने वाली है खतरनाक पावर जिससे उसके आजू बाजू ऊपर नीचे सोना ही होगा सोना और बच्चे सोने का मतलब गोल्ड होता है तो चलो फिर चैलेंज शुरू करते हैं मेरा नाम है जादू और मुझे धूप चाहिए मैं यहाँ पर कौन सी गाड़ी चूज करूँ जिसमें मुझे बहुत सारी धूप मिलेगी इस पुलिस वाली गाड़ी में मुझे बहुत ज्यादा धूप मिलेगी मैं इसको चूज करके जीतूंगा धूप बुढ़ी बाबा सबसे पहले जाने वाला है जादू देखते देख हैं क्या ये जंप कंप्लीट कर पाएगा मैं ये जंप तो कंप्लीट करके रहूंगा हट जाओ और कहना आप देख सकते हो जादू यहाँ पर निकल चुका है इस जंप को कंप्लीट करने के लिए क्या ये सारे हेलीकॉप्टर के ऊपर से कूद सकते हैं और ये क्या हो गया अभी भी टोटल चार हेलीकॉप्टर बचे थे पर हमारा जादू यहाँ पर गिर चुका है और हो चुका है डिस्कालीफाई धूप ये कैसे हो सकता है मुझे लगता है इस गाड़ी में किसी ने धूप नहीं डाली थी धूप उड़ी बाबा अब तुम्हारी बारी आ चुकी है जादू तो डिस्कालीफाई हो गया मैं तो ये चैलेंज जीत कर रहूंगी मैं सारे के सारे हेलीकॉप्टर से खोजूंगी। इस रेसिंग कार में अरे काइजर ये रेसिंग कार तो मुझे चाहिए थी पर इस लड़की ने यहाँ पर ये रेसिंग कार ले लिए देखते हैं ये क्या करने वाली है चलो देखते हैं क्या ये लड़की सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स को छोड़ पाएगी पीछे और गाड़ी यहाँ पर इसने ली है और इसकी ये एफ एन रेसिंग कार जा रही है जा जा रही रही है जारी है, जारी है, जारी है ये तो बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुके हैं और ये क्या सीधा जाकर आखिरी हेलीकॉप्टर से टकराई और फिनिशिंग लाइन बहुत ही ज्यादा क्लोज थी पर यहां पर ये क्रैश होकर हो चुकी है डिस्कालीफाई कैसे हो सकता है मैं इतने ज्यादा छोटे डिस्टेंस से हार चुकी हूं ये कैसे हो? जैसे भी हुआ अब ये हो चुका है तो गाइजर अभी मेरी बारी आ चुकी है और मैं यूज करने वाला हूँ ये खतरनाक सी बुगाटी मुझे कैसे भी करके ये चैलेंज जीतना है ताकि गाइजर मेरे पास आ जाए बहुत सारा गोल्ड मुझे पता नहीं कैसे आने वाला है पर अंकल ने बोला है अगर जीतोगे तो मिलेगा बहुत सारा गोल्ड तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख देना गुड लक फ्रेंकलिन ताकि गाइजर हम इस खतरनाक से चैलेंज को कम्प्लीट कर दे लेट्स को फुल स्पीड में चलते थ्री

ऐसी खुदा लिया है और वापस से उस साइड से भी मैंने इस जंप को कंप्लीट कर दिया है उड़ी बाबा बच्चे मैंने नहीं सोचा था तुम ये कर पाओगे अरे तो मुझे जल्दी बताओ कहाँ मिलेगा गोल्ड कैसे मिलेगा गोल्ड अभी मिलेगा गोल्ड बहुत सारा मिलेगा मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ देने वाला हूँ तुम किसी भी चीज को लात मारोगे तो वो गोल्ड की बन जाएगी क्या अरे ऐसा तो ना होता है ऐसा होता है बच्चे और तुम्हारे साथ होने वाला है ओम ब्रीम, गोल्ड क्रीम चीन इस बच्चे को दे दे गोल्ड की शक्तियाँ यहाँ पर कुछ तो है मुझे बचाओ मेरे साथ क्या हो रहा है बच्चे अब तुम्हारे पास पावर्स आ चुकी है गोल्ड की अरे मुझे तो यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं लग रहा ये अंकल क्या बोल रहे पर कोई बात नहीं टेस्ट कर कर देखते हैं इन्होंने बोला अगर मैं किसी भी चीज पर लात मारूंगा तो वो गोल्ड की कन्वर्ट हो जाएगी तो फटाफट इस बुगाटी पर ही लात मार के देते थ्री टू वन ये ये ले और कह सर ये ये, ये कैसे हो सकता है ये गाड़ी तो यहां पर इसने कलर चेंज कर लिया बच्चे कलर चेंज नहीं उसको बोलते हैं गोल्ड रुक रुको रुको मुझे इस वाली गाड़ी पर भी टेस्ट करना पड़ेगा मुझे भरोसा नहीं हो रहा ये 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 ले। और ये क्या आप देख सकते हो हो लैम्बोर्गिनी भी पर पूरी पूरी की गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी है ये कैसे हो सकता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये शक्तियाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बच्चे मैंने तो बोला ही था अगर तुम ये चैलेंज जीत गए तो तुम्हारे आगे ऊपर नीचे हर जगह सोना ही सोना होगा अरे आप

बच्चे वो तुम्हारी किस्मत अच्छी है हमारे पास एक कंटेस्टेंट कम था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया अरे तुम्हारी बुगाटी तो ले लो अरे जी ये बुगाटी मेरी तरफ से आप गिफ्ट रख लो मैं फिलहाल ये हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूं। तो आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले मेरे बैंक अकाउंट में जीरो डॉलर थे अभी बैंक अकाउंट में तो जीरो ही है पर हमारे पास ऐसी शक्तियां आ चुकी है जिससे हम किसी भी चीज को लात मारेंगे तो वो गोल्ड की कन्वर्ट हो जाती है तो अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला हूँ मैं तो कुछ

निकालना चाहते थे अब मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला तुम्हारी ऐसी की सारे सारे के सारे एक एक घर को मैं कर तबाह हा, 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 पूरे पूरे करने आया हूँ क्यों कर रहे हो तूने मुझे यहाँ से भगाया था गरीब बोल के अब मैं तुझे यहाँ पर गरीब बनाने वाला हूँ तेरी सारी की सारी गाड़िया

बहुत ही भीख मांगी थी कि मेरी मदद कर दे पर तूने मेरी मदद नहीं करी थी अरे बेकी मैं सॉरी 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 प्लीज 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 ऐसा मत करो मेरे घर को तबाह मत करो मेरी सारी गाड़ियाँ तो तबाह हो गई पर मेरे घर को तबाह मत करो ठीक है सिंचन मैं तेरी तरह नहीं हूँ तू इतना ज्यादा रो रहा तो है तू इतना ज्यादा रो रहा है तो ठीक है तेरे घर को छोड़ देता हूँ अरे थैंक यू फ्रेंकी भैया अरे मुझे ये तो बताओ आपके पास इतने पैसे कैसे हैं कि आपने टैंक खरीद लिया वो वो भी गोल्ड का वो तो एक बहुत ही लंबी कहानी है अगर तुझे जानना है तो वीडियो जाकर देख लियो और कई के साथ जैन से बदला हमने ले लिया चलो अब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और अभी हम लोग जाने वाले एक खतरनाक सी जगह पर फेंकी भैया फेंकी भैया अभी क्या हो गया तुझे मरना है क्या नहीं फेंकी भैया मुझे मरना नहीं है प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ रख लो फ्रेंकी भैया मैं तो बहुत ही गरीब हो चुका हूँ अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैं गरीब था अब तू गरीब हो चुका है प्लीज, प्लीज 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 अच्छा ठीक है बैठ जा रो मत तो अभी हम को भी यहाँ पर लेकर जा रहे अपने नए सरप्राइज पर वो मेरे लिए भी सरप्राइज होने वाला है आपके लिए भी सरप्राइज होने वाला है और शिव चैन के लिए भी सरप्राइज होने वाला है क्योंकि कायजर मैंने यहाँ पर खरीद दिया है सेंटोस का सबसे बड़ा घर चलो चल कर आपको दिखाते हैं और काजर आप सबका स्वागत है हमारे नए नए घर पर ये घर है लॉस सेंटोस का सबसे बड़ा मेंशन सबसे

इतना ज्यादा पैसा आ चुका है कि मुझे इन चीजों पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती तो आपने मेरा खतरनाक है। का सबसे बड़ा इसमें मिलता है ये बार पर के हम पार्टी कर सकते हैं यहाँ पर हम बजा सकते हैं पियानो और जब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस भी मना लेंगे ये घर सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कितना ज्यादा बड़ा सोफा यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर बैठ के हम गिटार बजा सकते हैं और हम इस बड़ी सी टीवी में देख सकते हैं हमारा फेवरेट कार्टून शिजन। आप का फेवरेट कार्टून मैं क्या ही खतरनाक बॉक्सिंग करता हूँ ये ले। ये ये ले। और यहाँ पर एक छोटा सा इंडोर स्विमिंग पूल भी बना रखा है हमारे जिम के साथ स्विमिंग पूल ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कह सर यहाँ पर एक और स्विमिंग पूल है अभी आपको चलकर दिखाता हूँ इस घर में स्विमिंग पूल की तो कमी है ही नहीं एक अंदर स्विमिंग पूल था जिम के पास में और ये की आउटडोर स्विमिंग पूल है ये थोड़ा ज्यादा पड़ा है और अगर आपने सोचा की यहाँ पर सिर्फ दो ही स्विमिंग पूल है तो आप बिल्कुल गलत हो इस घर में एक और स्विमिंग पूल है भला इतने सारे स्विमिंग पूल एक घर में कौन देता है पर अगर आपके पास हो गोल्ड जिसकी प्राइस हो 500 मिलियन डॉलर्स तो आपको तीन तीन स्विमिंग पूल वाला घर भी मिल जाता है और यहाँ पर भी बढ़िया बार बना हुआ है पार्टी वार्टी करने के लिए और हमारा बेडरूम तो बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर टोटल 150 इंच की, पर टीवी लगी और यहाँ पर बढ़िया तो तो बड़ आपको कैसा लगा मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगा और यहाँ पर तो अभी हमने और चीजें देखी भी नहीं जैसे की बढ़िया सा पार्टी एरिया सारे के सारे दोस्तों को बुलाकर कर कर सकते हम यहाँ पर पार्टी और हमारे पास खुद का

बन चुका हूँ तो गाइस फिर से मिलता है अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना पता नहीं सकी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस पर ज्वाइन और फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय